सिंध जी तारीख़ बाबति चयो वञे थो त अटिकल 15,000 साल अॻु मौजूदा भवन रूमी समंड वारे हंधि लखे माण्हू रहंदा हुआ। ज़िलज़िले जे करे लखे माण्हू मारिजी विया, बाक़ी जेके बचिया उतां लॾे विचो बरखां थींदा मरहलेवार सिंधु देश ताईं पहुता ऐं हिते आबाद थी। उन्हनि खे दरावड़ चयो वञे। अटिकल 1500 वरे उहे माण्हू सिंधु देश ते हावी रहिया ऐं तरक़ी कंदा रहिया। उन खां पोइ अटिकल 1700 वरे क़बल मसीह यानी 3700 वरे अॻु विच एशिया मां आर्या क़ौम जा माण्हू कसीर तइदाद में लॾे अची हिते आबाद थिया, जिन दरावड़नि खे मारे मञाए सिंध ते कब्ज़ो कयो। 500 वरे क़बल मसीह में सिंधु देश ते ईराननि अची कब्ज़ो कयो ऐं ब्रह्मण आबाद, बंबोर ऐं रनीकोट जा शहर आबाद कया। सिंध मां अॻे ॿ नदियूं वेंदियूं हुयूं, हिकु सिंधु नदी ऐं ॿी सरस्वती या हाकड़ो दरिया। सिंधु नदी ताईं हिन ख़ते ते सिंध ऐं सवेरा नालो थियो। पोइ हिन मुल्क जो नालो सिंधु देश पियो। सिंधु देश जी क़दीम तारीख़ जो पतो पुराणनि आसाननि मां पवे थो। आमरी दड़े खे 3000 क़बल मसीह पुराणो ॼाणायो वञे थो। मोहन जे दड़े खे 5000 साल पुराणो ॼाणायो वञे थो। उन ज़माने में सिंधी रसम अलख़त लिखी वेंदी हुई, सिंध में उन पैदा थींदी हुई ऐं कपिड़ो उन वेंदो हुओ। सिंध दुनिया जे क़दीम तरीन महज़ूब मुल्कनि में शुमारु थींदी हुई। आयरनि जे दौर में सिंधी ॿोली समूरी इंडो यूरोप ज़बान जी प्राकृत बणिजी वई। जे पुराणनि आसारनि मां लधल मजसूमनि मां पतो पवे थो त हिते रक्त ऐं राग हलंदो हो। हितां जा रहवासी जानवरनि, वणनि, सूरज ऐं तारनि जी पूॼा पिणु कंदा हुआ। सिंधु देश जी तहज़ीब जो बुनियादु ज़रात ऐं वापार ते हो। मिस्र, समीर, बाबुल, असीरिया ऐं ईरान तोड़े विच ॾखण हिंदुस्तान सां संदन वापारु हलंदो हो। आर्या सिंधु देश में घणे तइदाद में अटिकल 1700 वरे क़बल मसीह में अचणु शुरू थिया ऐं अटिकल 1000 क़बल मसीह खां पोइ सिंधु देश ते क़ाबिल थी विया। 1000 क़बल मसीह में आर्यनि जे ॿिनि क़बीलनि कौरवनि ऐं पांडवनि विच में महाभारत जी लड़ाई विढ़ी वई, जंहिंमें सिंध जे राजा जयदरथ में कौरवनि जी मदद कई। सिंध जे आर्यनि खां पोइ ॿियो अवायली हमिलो मिस्र जे शहनशाह समीरा मिस तरफ़ां 810 क़बल मसीह में कयो वियो, जंहिंखे सिंधी हाकम वीर सिंह शिकस्त ॾेई मोटायो। सिंध में धारनि जो पहिरियों कब्ज़ो 519 क़बल मसीह में ईरानी शहनशाह दारा अवल जे दौर में थियो, जेको अटिकल 200 साल थियो। 372 क़बल मसीह में यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म सिंध ते कहा करे कब्ज़ो कयो। मौर्या घराणे जे महाराजा चंद्रगुप्त 331 क़बल मसीह में सिंध ते कब्ज़ो कयो। हिन दौर में सिंध में ॿुध धर्म पखिड़ियो वधियो ऐं वीझियो। सितर क़बल मसीह में सिंध ते सथनि लोकनि जो राज थियो, जंहिंजो तसलत 46 ईस्वी ताईं हलियो। उन बैदि कुशन घराणे जे महाराजा कंशुक 80 ईस्वी में कब्ज़ो कयो। हिन घराणे जो सिंध ते 200 साल कब्ज़ो रहियो। उन बैदि सासानी घराणे जे बादशाह बहराम गोर 280 ईस्वी धारे ईरानी तसलत क़ाइमु कयो, जेको अटिकल 500 ईस्वी ताईं जारी रहियो। पोइ चंद्रगुप्त ॿिए सिंध खे पंहिंजी शहनशाही सां 315 खां 345 ताईं ॻंढियो। यज़गर्द 387 ईस्वी में सिंध खे वरी सासानी कब्ज़े हेठां आंदो। उनखां पोइ
हुकूमत राय घराणे जे कब्ज़े में आई जेका 495 ईस्वी खां 632 ईस्वी ताईं जारी रही। राय घराणे जो पहिरियों हुकुमरान राय ॾिया थियो। उनखां पोइ संत पुट राय सहरिस अवल तख़्त नशीन थियो। उनजे मरण बैदि राय साहसी संत जान नशीन थियो। पोइ राय सहरिस ॿियूं तख़्त ते वेठो। उनखां पोइ राय साहसी ॿियूं सन 632 ईस्वी में बे औलाद वफ़ात करे वियो। अहिड़ी रीत सिंध ते राय घराणे जी हुकूमत जो दौरु ख़तमु थियो। उन बाद सिंध ते ब्रह्मण घराणे जी हुकूमत शुरू थी। राय साहसी ॿिए जी जॻहि ते चच वल्द सेलाज ब्रह्मण जेको अरोड़ जो रहवासी पोती राजा राय साहसी ॿिए जी राणी सूं देवी सां शादी करे बादशाह बणियो। चच सिंध ते 40 सालनि ताईं हुकूमत कई। चच जे मरण बैदि संत भाउ चंदर तख़्त ते वेठो ऐं 671 खां 678 ताईं 7 साल हुकूमत करण बैदि हू फौत थी। राजा चंदर जी वफ़ात बैदि राजा चच क़ौम जो शहीद अवल महाराजा ॾाहिर 687 खां 712 ईस्वी ताईं तख़्त ते वेठो। सन 712 ईस्वी मुताबिक़ हिजरी सन में ॾाहिर शहीद थी वियो ऐं सिंध अमूई अरबनि जे कब्ज़े हेठि आई। अमूई अरबनि सिंध ते 38 साल हुकूमत कई। उन बैदि अब्बासी अरबन सन 750 ईस्वी खां सिंध ते हुकूमत कई। संदन हुकूमत 300 साल हली सन 1050 ताईं। 1050 में महमूद गज़नवी ऐं 1194 ईस्वी में गोरी घराणे सिंध ते हमिलो करे फुरलिट कई ऐं मोटी विया, पर हुकूमत न कयूं। साल 1050 में सिंधनि जी ठेठ निज सिंधी सूमरा हुकूमत महाराजा ॾाहिर खां पोइ 638 सालनि बाद वरी राज थी, जेका 300 साल हली। सन 1351 ईस्वी में सूमरनि जी जाइ ते समा सिंध जा हुकुमरान थिया, जिन सिंध ते 170 साल हुकूमत कई। समन जे आख़िरी बादशाह ॼाम फेरोज़ उनड़ जे दौर में अरगुननि सिंध ते हमिलो कयो ऐं दोलह दरिया खान सामूई जे मैदान ते अरगुननि सां जंग कंदे 1521 ईस्वी में शहीद थी। अहिड़ी रीत समन सिंध ते 170 साल हुकूमत कई। अरगून जेके चंगेज़ खान जो औलाद हुआ, सन 1532 ईस्वी में सिंध ते कब्ज़ो कयो ऐं सन 1555 ईस्वी ताईं सिंध ते अकेले सर 34 साल हुकूमत कंदा। उन बैदि तुर्कान घुराणे 1555 ईस्वी में सिंध ते हुकूमत शुरू कई ऐं इहा 1592 ताईं कुल 37 साल आई। सन 1592 में अकबर बादशाह जी हुकूमत दौरान मुग़लनि सिंध ते कब्ज़ो कयो, जेको 1700 ईस्वी ताईं हलियो, जंहिं दौरान बखर ते 50, ठटे ते कुल 40 नवाब मुक़ररु कया विया। उन दौरान मियां नसीर मोहम्मद कलोड़ो मकानी तौरु ताक़तवर बणियो, जंहिंखां पोइ संदसि पुटु मियां यार मोहम्मद घणे भाङे सिंध खे मुग़ल हुकूमत खां ख़ुदमुख़्तियारी वठी ॾिनी। खां पोइ संदसि पुटु नूर मोहम्मद खे मुग़लनि 1722 ईस्वी में बाज़ाबता सिंध जो नवाब मुक़ररु कयो। मियां यार मोहम्मद जी अमलदारी दौरान सन 1718 मुताबिक़ 1130 हिजरी में ठटे जे मुग़ल नवाब मियां यार मोहम्मद ऐं कुझु मक़ामी ज़मींदारनि नूर मोहम्मद पली जे ऐं शाह करीम जे गादी नशीन जे चुर्च ते सिंध जे सोशल सूफ़ी हज़रत शाह इनायत सूफ़ी खे सियासी इख़्तिलाफ़नि जे बुनियाद ते शहीद करे छॾियो। 1700 ईस्वी में सिंध जे कलोड़नि जी हुकूमत शुरू थी। हिन दौर में सिंधी इलम, अदब ऐं शाइरी वॾी तरक़ी कई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जहिड़ो अज़ीम शाइर पैदा थियो। कलोड़नि सन 1784 ताईं सिंध ते कुल 84 साल हुकूमत कई। सन 1784 ईस्वी में सिंध ते टालपुरनि जी हुकूमत क़ाइमु थी। टालपुरनि पंहिंजी हुकूमत में सिंध खे टिनि हिसनि में विरिहाए खैरपुर, मीरपुर ख़ास ऐं हैदराबाद में पंहिंजूं गादियूं क़ाइमु कयूं। टालपुरनि ज़रई तौर ते सिंध खे खुशहाल करण लाइ वाह खुटराया। संदन हुकूमत 1843 ईस्वी ताईं कुल 59 साल हली। अंग्रेज़नि दुबे जी जंग में सिंध जे जनरल होश मोहम्मद शीदी खे शहीद करे 1843 ईस्वी में हैदराबाद क़िले ते कब्ज़ो कयो ऐं सिंध फतह करे वरिती। अंग्रेज़नि कराची खे पंहिंजी गादी जो हंधु बणाए वरितो ऐं उते पंहिंजी छावणी क़ाइमु कई। अॻिते हली सिंध खे 1847 ईस्वी में बम्बई जो हिसो बणायो वियो। सिंधी क़ौमनि जी भरपूर अहम हलायल तहरीक जे नतीजे में अंग्रेज़नि मजबूर थी 1936 में सिंध जी हैसियत बहाल कई। 1937 में सिंध असेंबली जूं चूंडूं थियूं ऐं शहीद अलाह बख़्श सूमरो जी क़ौम परस्त हुकूमत ठही। अंग्रेज़नि खां आज़ादी वारी जदोजहद में सिंध वॾो किरदारु अदा कयो। मौलाना उबैदला सिंधी जलावतन रही आज़ादी लाइ जदोजहद कई, जॾहिं त रेशमी रुमाल हिजरत तहरीक ऐं ख़िलाफ़त तहरीक में सिंध अॻिरी रही। सिंध जी आज़ादी लाइ हथियारबंद वेड़ में शहीद सबगत अल्लाह शाह राशिदी जी हुर तहरीक सिंध जो फ़ख्र किरदारु आहे, जेका ॿी महाभारत लड़ाई दौरान वॾे उरूज ते पहुती। पर 23 मार्च 1943 ते सूर्य बादशाह खे फाही ॾेई शहीद कयो। 1940 ईस्वी वारी क़रारदाद जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदे 1947 में
हिंदुस्तान के वरहांगे बर पाकिस्तान जो बुनियाद कन्फीडरल यानी घण कौमी बदर यूनिटरी यानी एक कौमी रखी कौमन के गुलाम बनाए वो जैसे खिलाफ पाकिस्तान ठहन का पैरी साई जी एम सेठ ए खान अब्दुल गफ्फार खान एहतजाज कर पाकिस्तान के ठहन बद सिंध से जुल्म दास्तान शुरू तो जैसी इंतहा अजा ना थी कूड़न दवाओं जरिए सिंधी हिंदुओं के छियल मिल्कियतों से महाजरन के प्रॉपर्टी दिनी वही सिंधी मुसलमान ला शहर जहाँ रस्ता बंद कर एक कानून ठाए वो तो शहर में मकामी सिंधी 10,000 का मथे प्रॉपर्टी खरीद कर न सकें कामुरा शाही नौकर में सिंधियों का दरवाजा बंद किया मथा वरी 14 अक्टूबर 1954 ईस्वी से वन यूनिट मड़े सिंध के वजूद के खत्म कर साई जी एम सेठ सियासी हुकूमत अमली तहत ओलह पाकिस्तान असेंबली में वन यूनिट खिलाफ करारदाद पास कराई आइनी तौर वन यूनिट के खत्म करा छो यो ऐसी इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल सदर असेंबली तोड़े छी ए जबरी तौर वन यूनिट नाफिज किया जो 1969 में खत्म थो उनका जुल्फकार अली भुट्टो की नाम नाद अवामी हुकूमत जनरल जयाज मार्शल ला बेनजीर तौर नवाज शरीफ की हुकूमत परवेज मुशरफ की मार्शल ला का वी मौजूदा पी पी की हुकूमत तीन सिंध के हर तरह से लुटो ए फुरियो वो है वेदक जमाने वाली सिंध जहाँ सुखी ए खुशहाल होंगी हुई जहाँ तरक्की याफ्ता ए अमन से आशना होंगी हुई अज उन सिंध में धारन की जलगार उनके वजूद के लोडे छो है अज सिंधन जहाँ शहर उन रहा है जमीनू उन न रही हैं वसीलन से धारन जो कब्जो है सियासत ए हक हुकुमरानी के पाकिस्तान ए इस्लाम के नाले में पंजाब जो कब्जो है उन्हीं कर सिंधन वट उन्हीं का सवा को चारो को रहबर आजम से जीअंत के फिक्र जी मजम तहत जदोजहद कर सिंधु देश के 1843 ईस्वी वाले आज़ाद पोजिशन मारण जदोजहद कर गडियल कौमन में आज़ाद जो गाढ़ो झंडो फटाए सिंध तारीख के 5,000 साल में 1199 साल गुलाम रही 1811 साल आज़ाद है सिंध रही तारीख शायद है तो सिंध कदें गुलामी के दौर में सुख से न वेठा ए कदें दाहिर दोते सुमरे तो कदें दोले दरिया खान बख्तू बिलावल होशू शीदी हेमू कालानी तो कदें वरी साईं जी एम सेठ ए शहीद समी अला कलोड़े पाखोड़ी मोरी के शहीदन सराय कुर्बान खाहवट रूपल चोलानी ए गाजी नूर अला तुलो के रूप में पेंे मादर वतन की आज़ादी ला फिर दे सराह दिला गाया थजना